नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय गणित बेटे, आगे के वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह हमने क्या किया था। जैसे आगे वीडियो भेजा उसमें क्या बताया हुआ था, चित्र थे, चित्र के अनुसार हमें अंक लिखने हैं और अंक को नीचे जोड़ के माध्यम से पूरा करना है। उसी क्रम में पेज नंबर 4 पे आते हम, पार्ट पहले के कि हमें किस तरह करना है, क्या करना है, वो सर आपको दिखा रहे। पहली बात, हर एक वीडियो में मैं आपको ये बताता ही हूँ के सर जो भी करते हैं, तुम्हारे पास स्वाध्याय होती हो तो बेस्ट, नहीं हो तो कोई बात नहीं बेटा, वो हमें ऐसा का ऐसा नोटबुक में पूरा व्यवस्थित रूप से करना रहेगा। ठीक है, अब सर ये बता रहे हैं कि किस तरह करना है और क्या करना है। ठीक है, समझा रहे, देखिए सूचना पढ़िए क्या लिखा हुआ है। कम या ज्यादा गिनो तथा दिए गए बॉक्स में अंक से ज़्यादा हो तो सही और कम हो तो वहाँ आपने क्या करना है, गलत का चिन्ह करना रहेगा। पहला मैंने देखो उदाहरण में कितने चित्र दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी 10 से ज़्यादा है मतलब 11 है तो यहाँ पे सही, पर 10 से कम नहीं, कम नहीं, यहाँ पे तो 11 है तो कम नहीं है तो यहाँ पे गलत का चिन्ह कर दिया जाएगा। यहाँ पे सेव कितने दिया हुआ है, 1 सेव दिया हुआ है तो ये 10 से ज़्यादा है कि कम, तो सर 10 से कम है तो कम है तो सही, और ज़्यादा के वहाँ हम क्या कर देंगे, गलत का चिन्ह। उसी क्रम में आगे नीचे क्या दिया हुआ है, ये देखो फूल का चित्र, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी 10 से ज़्यादा है या कम, तो कम है तो कम के वहाँ क्या कर देंगे, सही का चिन्ह, और ज़्यादा के वहाँ कर देंगे गलत का चिन्ह, क्योंकि ज़्यादा नहीं है सर, ये तो कम है 10 से। उसी क्रम में आगे ये देखो दिल का चित्र दिया हुआ है, कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी ये 10 से ज़्यादा है या कम है, तो सर ये 10 से तो ज़्यादा है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सही का चिन्ह, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, गलत का चिन्ह, क्योंकि 10 से कम नहीं है सर, ये तो 10 से ज़्यादा। उसी क्रम में ये नीचे वाला हमें खुद को करना रहेगा बेटा। ठीक है, चित्र गिन लीजिएगा, अगर ये देखो यहाँ पे 20 दिया हुआ है, अब ये 20 से ज़्यादा है या कम है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी ये तो 20 से कम है तो कम के वहाँ सही और ज़्यादा के वहाँ गलत। उसी क्रम में ये भी गिन के हमें खुद को करना रहेगा। अब ये नीचे का जितना स्वाध्याय दिया है ना बेटा, वो मैं खुद को करना, जैसे यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया है, 30 से ज़्यादा या कम, ये ज़्यादा हो तो ज़्यादा में सही करना है, कम हो तो कहीं कम में सही करना है। ठीक है, हमें व्यवस्थित रूप से ये करना रहेगा और चित्र व्यवस्थित रूप से हमें नोटबुक में बनाने रहेंगे। उसी क्रम में आगे वाले पेज पे कम या ज़्यादा के समूह को गिने तथा दिए गए अंक से ज़्यादा के लिए सही और अंक से कम के लिए गलत का चिन्ह लगाए। यहाँ पे हमें क्या करना है, समूह को गिनने, कितने समूह, 1, 2, 3, 4, 4 समूह है तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कितना चित्र दिया हुआ, 8, यानी 10 से ज़्यादा या 10 से कम है तो 10 से कम है तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, गलत का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे हम सही का चिन्ह लगा देंगे। देखो क्या दिया हुआ, अंक से ज़्यादा के लिए सही, यानी जितने अंक दिए या उससे ज़्यादा हो गए तो वहाँ सही का चिन्ह लगाएंगे और कम हो गए तो गलत का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कितने अंक दिए, 10, तो यहाँ पे 10 है, एक समूह में गिनना हमें, ऐसे एक एक नहीं गिनना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी ये 10 से कम है या ज़्यादा है, तो सर ये कम है तो गलत और ज़्यादा में सही। उसी क्रम में नीचे यहाँ पे देखो कितना दिया, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, 20 से कम है या ज़्यादा, तो कम है तो कम के वहाँ क्या कर देंगे, गलत और ज़्यादा के वहाँ सही। उसी क्रम में नीचे वाला भी गिन के आपको उसी तरह करना रहेगा। उसी क्रम में आगे अगला प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर प्रश्न के उत्तर लिखने, इसके प्रश्नों के उत्तर बच्चों तुम्हें खुद करने हैं। ठीक है, सबसे आगे कौन खड़ा है, बुड्ढा, उसके बाद बुढ़िया, पोती, शेरू और पिसू। ठीक है, पहला प्रश्न क्या दिया है, कितने लोग गाजर को खींच रहे हैं, तो कितने लोग हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6। पहले स्थान पे कौन है, तो बुड्ढा। पीसी कौन से स्थान पर है, तो पीसी कहाँ पे है, देखिए इसमें
एक दो तीन चार पाँच छः, पहला बुढ़ा, दूसरी बुढ़िया, पोती, शेरू, पुसी और चूचू, यानी पुसी कौन से स्थान पे? पांचवे स्थान पे। कितने लोग गाजर को खींच रहे बेटा? तो छः लोग खींच रहे, देखो पीछे चूचू भी है। चौथे स्थान पर कौन है? तो चौथे स्थान पर शेरू है। पुसी के आगे कितने लोग है? पुसी कहाँ येरी, एक दो तीन चार, तो चार लोग है। तीसरे स्थान के सिर पर टोपी बनाओ, अब इसके तीसरे स्थान के सिर पे कौन है? तो पोती, तो पोती के सिर पे क्या बनानी है? टोपी। छठे स्थान की मूछें बनाओ, छठे स्थान पे कौन है? तो चुच्चू, इसकी हमें क्या बनानी रहेगी? मूछें, यहाँ पे हमें बाजू में चित्र में बना देना है। बुढ़े और पोती के बीच कौन है? बुढ़े और पोती के बीच में कौन है? बुढ़िया। पोती के तुरंत आगे कौन है? चित्र में देख के हमें लिख देना रहेगा उसी क्रम में आगे। चूचू के आगे कुल कितने लोग हैं? तो चूचू के आगे कितने लोग हैं वो हमें गिन के लिख देना रहेगा। बुढ़े के पीछे कुल कितने लोग हैं? तो बुढ़े के पीछे कुल कितने लोग हैं? पांच लोग हैं। ठीक है बेटा, ये स्वाध्याय के प्रश्न हमें खुद करने रहेंगे, सर ने समझा दिया फिर भी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हमें ये साफ सुथरा कॉपी में एकदम व्यवस्थित रूप से करना रहेगा। धन्यवाद।